फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है, अब लहसुन में भी महंगाई देखने को मिली है। बात करें हम गाजीपुर सब्जी मंडी मार्केट की, जहां लहसुन अब आसमान छू रहा है। जी हां, हम आपको बता दें कि पहले टमाटर और उसके बाद प्याज महंगी हुई थी, अभी प्याज के दाम कम भी नहीं होते, मगर अब आसमान छू रहा है लहसुन। जो रिटेल में 20 रुपए से 30 रुपए 250 मिलता था, अब 100 रुपए से 120 रुपए किलो 250 मिला है। हमने पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में जाकर जायजा लिया। जो होलसेलर थे उनका कहना है कि 350 से 400 रुपए किलो वहाँ बेच रहे हैं। वही हमने आढ़तियों से बात की तो उनका कहना है 250 से 280 रुपए किलो जो लहसुन है वह बिक रहा है। इस पर हमने दुकानदारों से बात की, उनका क्या कहना था सुने बाइट। नाम क्या आपका? सोनू कुमार। सोनू जी, क्या जो लहसुन है थोक मार्केट में क्या भाव मिल रहा है आपके यहाँ पर? मिल रहा जी नवा तो मंदा है, 300-280 ये महंगा है। ये जो फार्मी है, क्या कारण है जो 20 रुपए पाव मिलता था आज 100 रुपए पाव हो गया? भाई माल ही नहीं है, पीछे मंडी बिल्कुल खाली है, आड़त बिल्कुल खाली है। जो है हम लोग के पास है 2-4 कट्टे बस, वही है बस। आपके यहाँ इतना मिल रहा तो बाहर क्या रेट मिल रहा होगा फिर? ये भाई साहब मिला था 350 रुपए किलो आपको, और रिटेल में क्या मिला होगा? यही रेट मिलता है उन लोगों को, तो 5% खर्चा चाहिए बस, 5% खर्चा लेगा। पीछे से भाई साहब माल कम आ रहा है और बहुत कम है, और नया लहसुन आया है तो थोड़ा बाजार में राहत है। क्या आपका जो थोक में क्या भाव मिला आप यहाँ पर? थोक में मेरे तो भाई साहब 400 रुपए किलो बिक रहा है, 350 रुपए किलो बिक रहा है। अगर जो 350 वाला 400 रिटेल में क्या भाव मिला होगा? रिटेल में उधर वही 120 का पाव बिकेगा बाहर। अच्छा, हाँ। तो जो लहसुन की भरमार रहती थी पीछे से, जो खेती नहीं हो रही क्या क्या? पीछे वाली पिछले साल की खेती बहुत कम थी, क्योंकि इससे पिछले वाले साल ना वो मंदी थी, मंदी की दौड़ थी, तो इसलिए इस बार खेती किसान का कम हुआ था। अब दो रेट आप देखिए, अभी 2-3 तरह के लहसुन है, क्या क्या भाव उनके? ये भाई साहब 400 रुपए किलो है या 440 रुपए किलो? तो सुना आपने गाजीपुर सब्जी मंडी थोक मार्केट में दुकानदारों का क्या कहना था। वही हमने जो लहसुन खरीदने आए जो ग्राहक हैं उनसे बात की तो उनका कहना था कि अब उनकी जेब पे खर्चा ज़्यादा आ गया, क्योंकि लहसुन की कीमतें अब आसमान छू रही हैं और उन्हें परेशानी भी हो रही है। हमने कुछ जो ग्राहक थे जो लहसुन खरीदने वाले थे उनसे बात की, उनका क्या कहना था सुने। ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, जो जमाखोर लोग हैं इन्होंने जमा करके रखा होगा पीछे, ठीक है, अपने मुनाफे के लिए, और ये पब्लिक को परेशान करते हैं। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में, जो इन्होंने जमाखोरी कर रखी है उसको बाहर निकालना चाहिए। ये गवर्नमेंट को अवेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। दुकानदार को कहना है कि पीछे से लहसुन नहीं आ रहा है। हाँ, दुकानदार का कोई वो नहीं है, पीछे जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं ये करते हैं, हरामखोरी करते हैं लोग। ये इसके लिए तो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कुछ, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। अदरवाइज गरीब आदमी तो ऐसे ही मार खाता रहेगा बेचारा, वो हमेशा से मार खाता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई भी आए, गरीब आदमी तो गरीब ही रहेगा वो हमेशा। इसके लिए क्या कह सकते हैं, महंगाई महंगाई है भैया हर जगह। पहले टमाटर महंगे, आलू महंगे, अब प्याज आसमान छू रहे हैं। वो तो छोड़िए, लहसुन अदरक तो छोड़िए, या तो सब्जी नॉर्मल जो है, आलू तक देखिए 20-30 रुपए किलो, जो 10-10 रुपए किलो मिलता था किसी टाइम पे, आज बहुत महंगा है कि एक छोटी सब्जी बनाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, और नॉर्मल डेली की चीज़ें डालनी है तो उसके लिए भी अदरक इतना महंगा हो गया है, लहसुन महंगा है, टमाटर महंगा हो गया है, कुछ भी सस्ता नहीं है इससे। तो जो अब थोक की मार्केट में 400 रुपए से 350 रुपए किलो मिल रहा है पर केजी लहसुन, क्या कहेंगे इस पे? जो 50-60 रुपए किलो मिलता था होलसेल में, यही कह सकते हैं कि अब उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कोई दूसरा, क्योंकि इस बगैर तो सब्जियाँ भी नहीं बनती। हाँ बिल्कुल, स्वाद नहीं आता है, सब्जी तो बन जाती है, मगर जैसे कभी आपको मसालेदार सब्जी खानी हो तो उसके लिए स्वाद के लिए आपको डालना ही पड़ेगा ना लहसुन वगैरह। नाम बताओ ना। विनोद। कहाँ से है विनोद? हम आए सिलमपुर से। अच्छा, क्या कहेंगे लहसुन अब महंगा मिल रहा है? अब क्या कर, परेशानी तो हो रही है, अब महंगा है लहसुन, 400 रुपए किलो है। क्या कारण है? अब पता नहीं क्या कारण है, अब कम आ रहा है क्या है क्या नहीं है, महंगा बहुत है। बहुत तो वही हमने गाजीपुर सब्जी मंडी के लहसुन आड़ती जो थोक विक्रेता हैं, जिनको आड़ती बोलते हैं, उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि पीछे से जो फसल है वो कम उग रही है और कम माल आ रहा है, इसीलिए महंगा है। क्योंकि आड़ती का कहना है कि उनके पास 250 से 280 रुपए किलो है। वहीं
जब आढ़तियों के पास से और दुकानदार लेके जाते तो उनकी कीमत में इजाफा होता है। फिर वहाँ रिटेल यानी कि जो गलियों में जो मोहल्लों में जो लहसुन बिकते हैं उनमें इजाफा देखने को मिलता काफी, जो कि 400 से अधिक है। हमने आढ़ती से बात की तो उनका क्या कहना था सुने। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हरदयाल सिंह। हरदयाल जी, आपका आढ़ती है आप? जी। क्या कारण है जो लहसुन 20 रुपए पाव मिलता था आज वो 100 से भी ऊपर मिलने लगा है? अब फसल पैदा हो गई उस हिसाब से होगी, पिछली बार फसल कम आई थी, इस कम होने की वजह से लहसुन की कमी पड़ गई तो रेट ऊपर अपने आप हो ही जाएगा। आप अड़ती हैं और आपके यहाँ से क्या भाव आपके यहाँ से जा रहा है? अभी कल तक तो जो 300 बिक रहा था आज 20 रुपए 30 रुपए डाउन हुआ है। अच्छा। हाँ जी, 250 का, 60 का, 70 का, 80 का हुआ है। मैक्सिमम क्या आपके यहाँ पर है मैक्सिमम रेट? 280 से अभी ऊपर नहीं है अभी आज के। कुछ जगह बाहर देखे थे वहाँ 350-400 बताया। तो कल तक जो 300-350 खरीद के ले गए, 320-30 का जो लोग ले जाते हैं यहाँ से बेचारे, वो भी तो 2 रुपये कमाएंगे। अच्छा। या पैसे पूरा करेंगे तब उनका खर्चा भी होता है आड़त का मिला के, तब वे लोगों मतलब कि आपके यहाँ से अगर जो 300 रुपये लेके जाएगा तो बाहर 400 तक मिल जाएगा उनके पास? हाँ, 300 का लेके जाएगा, वो 400 का बेचेगा तब उसका पैसा पूरा होगा।